आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू, मैं पंकज खजूरिया और इस समय जो बड़ा जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये जन सैलाब एयरपोर्ट के बाहर उमड़ा है और सन ऑफ द सॉइल डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनके वेलकम के लिए ये बड़ा जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ आप देख सकते हैं। राजस्थानी पग पाई है, डोगरी पग पाई है, डोगरी साफा पाई है, हथ आया बीजेपी के झंडे लिए इधर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के वेलकम के लिए जहाँ पे लोगों का जनसैलाब उमड़ा है और यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के वेलकम के लिए आप देख तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि कब डॉक्टर साहब बाहर आएंगे एयरपोर्ट से वो कहना थोड़ा भी उचित नहीं रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से जानकारी आ रही है उनका प्लेन जो है वो लैंड कर चुका है और उनके समर्थन में जो है वो यहाँ पे लोगों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के फेवर में इस समय नारेबाजी होती हुई उनके समर्थक हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत करेंगे। तब तक क्या कुछ कहते हैं, क्या नाम है? श्याम सिंह। श्याम सिंह कुथुआ आए? सांबे दा। वेलकम करना है? हाँ जी। पूरा जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह हुंदा ओ ते उधमपुर च लड़दे तो सांबे आई है। हां भी उधर से आए। वेलकम करने? हां जी हां जी। कितने लोग आए? होगा कोई 150-200। 150-200। हां जी हां जी। कब से आए हैं? सुबह 10 बजे से आए। सुबह 10 बजे? हां जी हां जी। कैसा लग रहा फिर से चुने गए हैं वो इलेक्शन के लिए तीसरी बार कंटेस्ट करेंगे? हां चुनेंगे क्यों नहीं चुनेंगे। हां हम बीडीसी एसपीओ है, हमारा भी काम करना चाहिए इनको। हां जी मैं सांबे दा आया। अच्छा तो सारे सांबे दे? ए सारे सांबे दा आए ना। वेलकम करना आयो? वेलकम करने आए कन्ने ना बुलावा है जे साडा कोई मसला होना है और गलबात। हां जी हां जी। और ग्राउंड से जुड़े हुए जो है नेता हैं और आज भी जो उन्होंने अपने जो चाहने वाले हैं लोग जो हैं उनको बुलाया है उनके काम के मसले को लेकर और यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा हुआ। इस जन सैलाब में आप देख सकते हैं कि हाथों में बीजेपी के फ्लैग और पगड़ी जो है राजस्थानी डोगरी साफा सब पहन के उनके वेलकम के लिए एयरपोर्ट के बाहर। हालांकि ये अपने आप में ही दर्शाता है कि वह उधमपुर से कंटेस्ट करते हैं, लेकिन उनके समर्थक जो हैं वो जम्मू में उनके वेलकम के लिए उमड़े हैं। ये अपने आप में बताता है कि कितने बड़े दिग्गज लीडर हैं वो जम्मू कश्मीर से और खासतौर से तौर पर जम्मू संभाग से वेलकम के लिए उमड़े हैं। ये हमारे मीडिया कर्मी भी जो हैं उनकी एक झलक नाम अनाउंस होने के बाद जो है वो पहली मर्तबा तीसरी बार कंटेस्ट करेंगे और नाम अनाउंस होने के बाद जो है वो पहली मर्तबा जम्मू आ रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी के साथ वो बख्शी स्टेडियम में कल श्रीनगर में देखेंगे और उससे पहले जम्मू में देखेंगे एमएस स्टेडियम में और यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा हुआ। लोग और भी हैं थोड़ा, अर्जुन जी दिखाइएगा दूर दूर तक, लेकिन थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि गेट के पास ही रहें जहाँ पे जैसे वो बाहर आए और उनकी जो झलक पाने के लिए लोग यहाँ पे आ रखे हैं। हाँ और यही डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो अभी पहली बार नाम अनाउंस होने के बाद जम्मू पहुंचते हुए और फूलों से पुष्प वर्षा से उनका स्वागत जहां पे उनके समर्थकों द्वारा किया जा रहा है। हालांकि जुगल किशोर जी की बात करें तो वो जम्मू संभाग के जम्मू सीट से हैं, लेकिन उधमपुर सी सीट से पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उनके वेलकम के लिए लोग जहां पे एकत्रित हुए हैं हाथों में आगे मत आशू गुलदस्ता लेकर। हाथों में गुलदस्ता लेकर जो है वो उनके वेलकम के लिए लोग, इसके साथ साथ बीजेपी का फ्लैग भी जो है वो ले रखा है और ये पुष्प वर्षा जो है वो और ये पुष्प और ये पुष्प वर्षा जो है जहाँ पे होती हुई डॉक्टर जितेंद्र सिंह के
वेलकम में जहाँ पे जन सैलाब उमड़ा है और पुष्प वर्षा पुष्पमाला इन सब से उनका वेलकम होता हुआ। और ये पहली बार तीसरी बार उनका जब नाम अनाउंस हुआ तो पहली बार जम्मू उनका भव्य स्वागत जो है वो उनके समर्थकों द्वारा किया जा रहा है और वहीं डोगरी पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और विक्ट्री का जो है वो साइन यहाँ पे अपने वेलकम को यहाँ पे वो एक्सेप्ट करते हुए और विक्ट्री के साइन से आप देख सकते हैं। और वही एक कड़ी मशक्कत जो है ये डोगरा पगड़ी बांधे पहुंचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये देखिए तस्वीरें और यहाँ पे वेलकम होता हुआ और ये देखिए लोगों के आगे नतमस्तक होते हुए। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी है और इस मौके पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हालांकि इससे पहले बात की जाए तो दो बार जम्मू आए वो पीएम मोदी जी के साथ, एक बार जम्मू के एमएस स्टेडियम में, दूसरी बार बख्शी स्टेडियम में। और भव्य जो स्वागत है आज यहाँ पे होता हुआ उनके चाहने वालों का और वही डोगरा पगड़ी जो है वो उन तक पहुँचाते हुए उनके समर्थक और वही डोगरा पगड़ी उन तक पहुँचाते हुए उनके समर्थक और अल्टीमेटली वो जो है वो कामयाब हुए। और ये देखिए ये पगड़ी जो है वो एक्सेप्ट करते हुए ये देखिए ये देखिए ये पगड़ी एक्सेप्ट करते हुए तस्वीरें इस समय आप जम्मू एयरपोर्ट से देख रहे हैं और यहाँ पे उनका भव्य स्वागत होता हुआ लोग उनके चाहने वाले हाथ मिलाते हुए, हालांकि तीसरी बार जो है वो कंटेस्ट करेंगे वो उदयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से। महिला समर्थक भी जो है वो यहाँ पे पार्टी की तरफ से आ रखे हैं और उन तक पहुंचने की कोशिश करते हुए ये लाइव विजुअल्स आप ग्रेटर जम्मू के माध्यम से देख रहे हैं और इस विजुअल्स में आप देख सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भव्य स्वागत जो है यहाँ पे होता हुआ। माता की चुनरी से, डोगरा पगड़ी से और जय श्री राम के नारे, पुष्प वर्षा जो है वो यहाँ पे होती हुई डॉक्टर जितेंद्र सिंह के फेवर में इस समय वेलकम होता हुआ। हम कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने की। अर्जुन जी थोड़ा तेज रहिएगा और वहीं हम कोशिश करेंगे और वहीं प्रत्येक समुदाय के लोग आज यहाँ पे आए हैं उनके वेलकम के लिए। गौरतलब है कि तीसरी बार उधमपुर से इलेक्शन लड़ेंगे और पीएमओ मोदी जी के साथ पिछले 10 साल उन्होंने उनके ऑफिस में लगाए और वहीं बड़ी भीड़ भारी भीड़ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू आए हैं और पहली बार तीसरी बार जो उनका नाम अनाउंस हुआ बीजेपी की सीट से उसको लेके और यहाँ पे, हालांकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे लोग चाहते हैं कि उस पर बातचीत हो। सबसे बड़ा मुद्दा जो है डेली वेजेस का है, क्या तीसरी बार जब बीजेपी आती है तो ये डेली वेजेस के मुद्दे के ऊपर बात करेगी, ये एक बड़ा सवाल भी रहेगा और हम भी कोशिश करेंगे कि सीधी तस्वीरें आप इस समय एयरपोर्ट से देख रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने की। और यहाँ पे जय श्री राम का जय घोष होता हुआ, माता की चुनरी से उनका स्वागत होता हुआ, डोगरा पगड़ी से उनका भव्य स्वागत होता हुआ, तस्वीरें पुष्पमाला पुष्प वर्षा ये सब ये भव्य तस्वीर आप जम्मू एयरपोर्ट के बाहर से देख रहे हैं जहाँ सन ऑफ द सॉयल पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपना तीसरी बार जो उनका नाम अनाउंस हुआ है उदयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से उसके लिए जो है वो आज पहली बार जम्मू आए हैं और बड़ा भव्य स्वागत जो है यहाँ पे उनका होता हुआ है। बड़ी बात यह है कि क्या कुछ नया रहेगा तीसरी बार जम्मू के कश्मीर के लिए, क्योंकि धारा 370 एडवोकेट करवाना, 35A को एडवोकेट करवाना, ये एक बड़ा फैसला रहा और ये तभी पॉसिबल हो सका जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उनके जुगलबंदी जुगल शर्मा
जुगल बंदी में जुगल किशोर शर्मा जो है जो उसमें उसमें इसमें पार्लियामेंट में पहुंचे थे वही बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहते बात करने की कोशिश करेंगे और वही यहाँ पे डॉक्टर साहब भव्य स्वागत के लिए क्या कहेंगे सर नहीं सर प्लीज 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 खुद आप देख सकते हैं भारी जन सैलाब है और इस जन सैलाब में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समुदाय से उनका वेलकम करने उठा है तस्वीरें जो है वो सीधे तौर पे आप ग्रेट जम्मू के माध्यम से लाइव देख रहे हैं नौजवान भी जो हैं इसमें आ रखे हैं मोदी सरकार के नारे होते हुए फिर एक बार लाइव में अपने कमेंट जरूर रखिएगा गड्डी तुम्हें मारी ओ वही गाड़ी जो है हम आपकी ड्यूटी को रोक रहे हैं आप क्यों हमें रोक रहे हो एक बार अर्जुन जी थोड़ा इस तरफ भी घुमाइएगा इनके समर्थक जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे और ये समर्थक जो हैं वो आज भव्य स्वागत के लिए आए हैं तस्वीरें आप जो हैं इस समय ग्रेट जम्मू के माध्यम से देख रहे थे और हमने आपको जो है जो भव्य स्वागत यहाँ पे हुआ वो दिखाने का प्रयास कर रहे थे और इस स्वागत में अभी जो है जहाँ से गाड़ी बदली जाएगी हालांकि गाड़ी बदल के दूसरी गाड़ी में जाएंगे वो अपने समर्थकों से घिरे हुए हैं और वहीं अब दूसरी गाड़ी में जो है वो जहाँ पे वो बैठेंगे और क्या कुछ रहेगा दूसरी गाड़ी में गाड़ी को सीट कर सही विक्की शर्मा
डॉक्टर जितेंद्र सिंह हट जाओ। वही मनकोटिया जी आए हैं और उनको बुलाया गया, वो वेलकम करने आए हैं मनकोटिया जी चुन्नी के साथ जो है उनका। इंद्रजीत जी, जी इंद्रजीत जी इधर आओ, इंद्रजीत जी आओ, इंद्रजीत जी आओ, चौधरी साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। सर सब प्लीज सर सब मत करो प्लीज सर, नीचे से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, 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 डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। सीधी तस्वीरें आप यहां पे देख रहे थे, बड़ी जनसभा को भी अभी जो है वो अपने रेजिडेंस में जो है वो एड्रेस करेंगे और क्या कुछ कहेंगे वो देखने वाला वक्त रहेगा। दौड़ दौड़ तस्वीरें आप देख रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब भव्य स्वागत को कैसे देखते हैं? हालांकि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पे इनको जाना पड़ा और भव्य स्वागत जो है यहाँ पे होता हुआ अपने समर्थकों के बीच में है और अपने समर्थकों के साथ जो है वो व्यस्त है और दूर मकान पे भी उनका जो वेलकम। जय श्री राम का जय घोष भी होता हुआ और यहाँ पे इनके समर्थक आप देखें किस प्रकार से, ये बड़ी एक रैली टाइप ही मान लीजिए कि यहाँ पे आज उनका भव्य स्वागत के लिए एयरपोर्ट से स्टार्ट हुआ और अब ये जो है इनके सरकारी रेजिडेंस पे जाएंगे। हालांकि क्या कुछ नया रहेगा वो देखने वाला वक्त रहेगा कि जिस प्रकार से धारा 370 के एप्लीकेशन की बात करें तो दूसरी बार जीत के आए थे तो वो बड़ा हुआ था, लेकिन अभी डेली वेजेस का बड़ा मुद्दा है और इसके साथ साथ और बड़े मुद्दे हैं। क्या इनके ऊपर जो है अभी जो कंटेस्ट करने जा रहे हैं एमपीज, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, क्या वो एड्रेस करेंगे इन मुद्दे को, ये देखने वाला वक्त रहेगा। बहरहाल अपनी वैल्यू रिकमेंड सेक्शन में रखिएगा। देख रहे हैं गढ़ जम्मू कैमरा सिंह साहब, मैं पंकज, जय हिंद।